Hello student, welcome to you in online classes. आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 का सोशल साइंस लेसन 1 का टॉपिक नंबर 2. टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद. यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य में अगर बात करें तो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में जो स्थापित साम्राज्य था, इसमें जर्मनी में राजशाहियों, इटली में डचियों और स्विट्जरलैंड में कैंटों के रूप में विभाजित था. यहां इनके शासक जो थे स्वायत्त शासक यानी अलग अलग ये जो क्षेत्र हैं, अलग अलग ये जो राजशाही, दशी और कैंटिन है, इनकी अपनी अलग भाषा होती थी, अलग मुद्रा होती थी, अलग व्यवस्थाएं होती थी. तो यूरोप में राष्ट्रवाद 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद आप देखेंगे कुछ कारणों के द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होता है, प्रादुर्भाव होता है. यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण में पहला कारण जो है वह यह है कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग. जैसा कि हम जानते हैं फ्रांसीसी समाज में क्रांति से पहले समाज जो है अनेक वर्गों में विभाजित था, जिसमें सबसे प्रभुत्व संपन्न अगर वर्ग कहें तो कुलीन वर्ग था, जिनके पास संपत्ति पर विशेष अधिकार था. इनका जो कुलीन वर्ग में जैसे राजशाही, पादरी और चर्च थे और उनका समाज में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान था. इसके बाद से पश्चिमी मध्य यूरोप से औद्योगिकरण का जो शुरुआत हुआ, जिसके चलते नए नए उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी वजह से एक नया मध्यम वर्ग सामने आया, जिसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग थे. और ऐसे में उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और अन्य कर्मचारियों को एक ऐसा माहौल चाहिए था, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए था जिसमें वह अपने कार्य को अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चला सके और वह काम कुलीन वर्गों द्वारा स्थापित राजतांत्रिक शासन व्यवस्था में संभव नहीं था. तो ऐसे में राष्ट्रवाद की परिकल्पना के द्वारा उनके मन में यह विचार आया कि अगर राष्ट्रवाद की स्थापना फ्रांस में होता है तो हमारे लिए अन्य कार्य करने के लिए सुविधा होगी. तो ये नया मध्यम वर्ग की जो सोच पैदा हुई राष्ट्रवाद के लिए, अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उनको सिंबल दिखाई दिया, जो संकेत दिखाई दिया, वह यही था कि राष्ट्रवाद. तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पहला कारण होता है, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के अनेक लोगों के मन में राष्ट्रवाद के प्रति एक हार्दिक इच्छा जागृत हुई कि राष्ट्रवाद भी हमारे विकास में कारगर सिद्ध हो सकता है. तो इस प्रकार से यह पहला कारण है. दूसरा कारण जो है उदारवाद की विचारधारा का प्रसार. अब उदारवाद क्या होता है, उदारवाद का शाब्दिक अर्थ पहले समझेंगे. उदारवाद इंग्लिश है लिबरेशन, लेबर लेस, जिसका जो लैटिन भाषा लीबर से बना है. लीबर का अर्थ होता है हिंदी आजाद, फ्रीडम या स्वतंत्रता. नए मध्यम वर्ग के लिए स्वतंत्रता का अर्थ, सॉरी उदारवाद का अर्थ क्या है कि स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष समान अधिकार. उदारवाद का मतलब
उदारवाद का अर्थ नए मध्यम वर्ग के लिए कि स्वतंत्रता और कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अर्थात नए वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता और कानून के सामने, स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समान अधिकार था। तो इसके पहले आपने देखा होगा फ्रांस में जो अधिकार की बात अगर करें तो फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार सिर्फ अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों के ही हाथ में था। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता और कानून का समान अधिकार आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो उदारवाद का मकसद यही था कि कानून और स्वतंत्रता के समक्ष जो है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, जैसा कि पहले नहीं था। जैसे अगर मतदान की बात करें तो संपत्ति विहीन और महिलाओं के लिए मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, सिर्फ अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति ही, अमीर व्यक्ति ही ऐसे लोग वोट देने के अधिकारी होते थे। इसके बाद से आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो उदारवाद का अर्थ आर्थिक क्षेत्र में क्या है कि जो भी व्यवसाय हो रहा है राज्य द्वारा लगाए गए वस्तुओं और पूंजी के आवागमन के नियंत्रण को समाप्त किया जाए। राज्य द्वारा जो भी व्यवसाय की प्रक्रिया हो रही है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें जो भी नियंत्रण लगाया गया है, जो भी कर लगाया गया है, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इसलिए 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर शुल्क संघ, जिसको जालेराइन का नाम से जानते हैं, जालेराइन के नाम से जानते हैं। जालेराइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्दावली है जो आपके छोटे प्रश्न क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि जालेराइन क्या है। तो 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर शुल्क संघ की स्थापना की गई और जिसका काम क्या था, शुल्क अवरोध को समाप्त करना, यानी जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, सेवाओं का आदान प्रदान होता था और जो उस पर शुल्क लगा करके उसको नियंत्रित किया जाता था, उसको क्या किया जाए, फ्री किया जाए, नियंत्रण को समाप्त किया जाए, शुल्क अवरोध समाप्त कर दिया जाए, कर दिया गया जालग्राम के तहत, और मुद्राओं की संख्या कम कर दिया गया, जो पहले 30 की संख्या थी अब जाकर के कितना हो गया, 2 हो गया। मुद्राओं की संख्या कम करके 30 से 2 कर दी गई। इस पर आप देख रहे हैं उदारवाद की विचारधारा के तहत एक ऐसी आजादी जो स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबको समान अधिकार मिले, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, वोट देने का अधिकार प्लस आपका ये आर्थिक क्षेत्र में जो भी अधिकार है उसको शुल्क संघ के माध्यम से जो भी व्यवधान था उसको हटाने का प्रयास किया गया। फिर हम अर्थात ऐसे विचारधारा के आने से यूरोप में राष्ट्रवाद की एक प्रबल विचारधारा विकसित हुई जो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है रूढ़िवाद की भावना और वियना की संधि। रूढ़िवाद की भावना, रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद का मतलब कि परंपरागत विचारधाराओं को, परंपराओं को मानना, परंपरागत विचारधारा ही रूढ़िवाद है। तो रूढ़िवाद की भावना और वियना की संधि, जैसा कि आप जानते हैं कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन के हार के बाद जो भी सरकारें थी, रूढ़िवादी सरकारें थी, वह रूढ़िवाद से प्रेरित थी। 1518 में जब नेपोलियन का पराजय होता है, जिसमें मुख्य रूप से आपके यूरोपीय शक्तियां ब्रिटेन,
रूस, रूसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के या नेपोलियन को पराजित करने का काम करते हैं और उनकी जो विचारधारा थी वो रूढ़िवाद से प्रेरित थी। रूढ़िवाद अर्थात प्राचीन परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच की भावना, परिवार को संरक्षित किए जाने की जो भावना है वही रूढ़िवाद। ऐसे में इन शक्तियों का काम क्या था कि इन लोगों ने ब्रिटेन, रूस और प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक के नेतृत्व में वियना में मुलाकात करके एक सम्मेलन में बुलाया और 1815 ईस्वी में वियना की संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की। यानी इन प्रतिनिधियों ने, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक के नेतृत्व में वियना की संधि तैयार की जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया। वियना संधि की मुख्य बिंदु जिसमें पहला जो बिंदु होगा नंबर वन पे कि फ्रांस में, आपने देखा फ्रांस में नेपोलियन ने फ्रांस के जिन क्षेत्रों को जीता था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बो राजवंश के सत्ता में, बुर्बो राजवंश की सत्ता को बहाल किया गया। यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बो राजवंश जो लुई सुलामा था उनकी सत्ता खत्म कर दी गई थी, राजशाही सत्ता खत्म कर दी गई थी। तो वियना संधि की मुख्य बिंदु में पहला ही काम किया गया कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की सत्ता को बहाल किया गया जिसको नेपोलियन, जिसको फ्रांसीसी क्रांति में खत्म कर दिया गया। दूसरी चीज, फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई। फ्रांस की सीमाओं पर श्रृंखला की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि फ्रांस अपने विस्तारवादी नीति को रोक सके, वह अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके, इसलिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई जिसके तहत प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्व दिया गया और उसको नए क्षेत्र दे दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। तो इस प्रकार से फ्रांस की विस्तारवादी नीति को बंद करने के लिए, रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला की स्थापना की गई। तीसरी चीज क्या था कि नेपोलियन द्वारा गठन किया गया जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन महासंघ की स्थापना जो किया था जिसमें 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। इस प्रकार से चौथे पॉइंट में आप देखेंगे कि वियना संधि का जो प्रमुख उद्देश्य था, वह प्रमुख उद्देश्य था कि परास्त हुए राजशाहियों का को बहाल किया जाए और यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया जाए। ऐसे में यह 1815 ईस्वी में निर्धारित जो निरंकुश रूढ़िवादी शासन था, लेकिन उसको जो राष्ट्रवादियों ने उसका आलोचना किया, उसका विरोध किया और इसलिए उनको लगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से आज का टॉपिक खत्म होता है, बाकी अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।